की जाएगी। बड़ी खबर मऊ से, बीजेपी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर का बयान, अतीक अहमद का होना चाहिए एनकाउंटर, उमेश पाल के सभी हथियारों का एनकाउंटर होना चाहिए, जो अतीक का एनकाउंटर करेगा उसे स्वर्ग मिलेगा, ये कहना है उनका। घोसी से सांसद रह चुके हरि नारायण राजभर, मऊ में बीजेपी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने प्रयागराज के पास हो रहे एनकाउंटर्स का समर्थन किया है। जितने अपराधी उस सुरेश पाल की हत्या किए वो सब काउंटर होना चाहिए, और यही नहीं, इस अपराध उस घटना की जो मास्टरमाइंड अतीक जेल में बैठा हुआ है उसको भी काउंटर कर देना चाहिए। उसको जो भी प्रशासन के लोग, जो भी पुलिस अधिकारी काउंटर करेगा उसके लिए सीधे स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा उसके जीवन में। प्रयागराज हत्याकांड को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर लग रहे आरोपों का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सबूतों को जुटाया जा रहा है, उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दो जो आरोपी थे वो तो मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, लेकिन जो बाकी के आरोपी हैं फरार है। हालांकि कुछ लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस की कार्रवाई पर, उनका कहना है कि अभी भी आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस की टीम लगातार प्रयास कर रही है और इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और इसके एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो लोग भी नामजद हैं तथा जो लोग प्रकाश में आ रहे हैं उन पे न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इनाम भी घोषित किया गया है। 5 लोगों पे पुलिस मुख्यालय की तरफ से 2.5-2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है और हमारी टीमें 15 टीमें इसमें लगी हैं और एसटीएफ की भी टीम लगी है। अब बहुत जल्द ही हम इसमें गिरफ्तारियां भी करेंगे और फिर जो गिरफ्तारी के बाद से हम सभी प्रेस और मीडिया के बंधुओं से डिटेल शेयर करेंगे। एफआईआर में नेम्ड पर्सन है और उस पे पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद से विवेचक के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। नहीं, ये तो स्पष्ट किया जा चुका था कि इसमें कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग शासन स्तर से और पुलिस महानिदेशक के स्तर से लगातार होती है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई नहीं होगी जो इस घटना में इन्वॉल्व नहीं था, और जो बातें राजनीतिक तौर पर कही जा सकती है उसका जवाब तो कोई राजनीतिक ही दे। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का साफ तौर पर कहना है कि प्रयागराज मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और जल्द से जल्द जो तमाम आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में। वीडियो जर्नलिस्ट भगराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी। पुलिस बाकी बचे आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के पश्चिम बंगाल में छिपे होने की खबर है। इस बीच अतीक के दो नाबालिग बेटों के गायब होने का मामला भी गर्मा गया।